Assalamu alaikum dear student, how are you all? I hope you are all fine. Today we are going to start vocations work next part of English. I hope you are all fine dear student. Now we start unit number 5, Fathers of the Nation. So we done words meaning founder, अचीव, वर्ड्स पॉलिटिक्स, रिफ्यूज्ड. अब ये सारे वर्ड्स आपकी नोटबुक पे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ नोटबुक यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर आप एमसीक्यूज करेंगे. ही केम इनटू पॉलिटिक्स इन 1905, 1907, 1906. आंसर इज सी, ही डेड ऑन 11 सितंबर 1948. आंसर दीज क्वेश्चंस. ये भी आपने क्वेश्चन देखने, व्हेन एंड वेयर वॉज कायदे आजम वॉज बॉर्न, आपने विद द हेल्प ऑफ नोटबुक यहाँ पे आंसर लिखना भी है, याद भी करना है. सिर्फ ये वाले क्वेश्चन के आंसर लर्न नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपने लर्न करने, वर्ड्स मीनिंग भी लर्न करने, एंड बुक वर्क भी आपने सारा करना है लर्न, ठीक है. और ये आपके हैं डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स आपने यहाँ पे 1, 2, 3 लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ योर बुक एंड विद योर नोटबुक. यूनिट नंबर 11, द माउंटेन एंड स्क्विरल. वर्ड्स मीनिंग डाउटलेस, डिनाय, क्वारल, प्रिग, ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन वर्ड्स. डाउटलेस, सो, वेल, वाइजली, फॉरेस्ट, क्रैक. यू आर डाउटलेस वेरी बिग. डाउटलेस वेरी बिग. I am not dash large as you. यहाँ डैश पे आपने लिखना है सो. टैलेंट डिफर. ऑल इज वाइज एंड वाइजली पुट. यहाँ है वाइज और यहाँ है वाइजली पुट. आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक. फॉरेस्ट ऑन माई बैक. Okay, answer this question. What is the lesson you draw from this poem? यहाँ पे आपने आंसर लिखना है और यहाँ आपने डिक्टेशन वर्ड्स राइट करने हैं, राइट भी करने हैं, लर्न भी करना है. Okay, dear student, now we start unit number 13. An aunt's language. Words meaning colonies, string, unfamiliar, wondered. ये भी आपने अपनी नोटबुक पे विद द हेल्प ऑफ योर नोटबुक यू सॉल्व दिस मीनिंग्स एंड आल्सो लर्न, राइट दिस मीनिंग्स एंड लर्न दिस मीनिंग्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स. मच इंस्ट्रूमेंट्स सेंट कंफ्यूज्ड, अनफेमिलियर. सम फ्लावर्स हैव प्लीजेंट सेंट. He bought a dash of flowers for his sisters. Such of flower for this, for his sister. The dentist used many tools pull out my tooth. Instruments, yahan na instruments. Is there many instruments? Many instruments. He remained dash about taking a right decision. He remained confused. He was alone in unfamiliar place. यहाँ है confused और यहाँ unfamiliar. फिर आपने लिखने answer these question. What are aunt colonies? With the help of your notebook आपने यहाँ पर answer लिखने है, learn भी करना है and write भी करना है. What did the scientist want to learn? तो आपने यहाँ पे भी क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर राइट भी करना है और लर्न भी करने हैं. फिर आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं बुक में से. तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे इंग्लिश के एक्सेस नोटबुक का वर्क कंप्लीट होता है. फिर आपकी यहाँ पे शुरू होती है ट्रांसलेट द पैराग्राफ फ्रॉम कॉपी. आपने विद द हेल्प ऑफ नोटबुक
ट्रांसलेशन आपको टीचर ने कराई है, आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। ये आपको पैराग्राफ मैंने दी है। मोर देन 1400 ईयर्स अगो इन अरबिया पीपल लिव्ड इन फियर, दे वर अफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स एंड अदर ट्राइब्स, दे वर इवन अफ्रेड ऑफ देयर आइडल्स, दे वर्शिप आइडल्स। तो आपने यहाँ पे उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन राइट करनी है, लर्न भी करनी है एंड राइट भी करनी है। यूनिट नंबर टू, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है। ही केम इनटू पॉलिटिक्स इन 1906, ही बिलीव दैट द मुस्लिम एंड द हिंदूज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कुड फ्लाइट टुगेदर फॉर देयर इंडिपेंडेंस ऑन, ही कैम टू नो अबाउट इन सिंसियरिटी ऑफ हिंदूज। तो यहाँ पर आपने इसकी ट्रांसलेशन लिखनी है। फिर आपने यूनिट नंबर थ्री की पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, अरफा करीम वॉज बॉर्न इन 1995 एट द एज ऑफ 9 years, 1904 शी रिसीव अ सर्टिफिकेट फॉर बींग द लार्जेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन द, शी कैप दैट टाइटल।